नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर लड्डू सभी को अच्छे लगते हैं और जहां मोदक नहीं बनते हैं वहां लड्डू का ही भोग लगाया जाता है और गणेश जी को अति प्रिय हैं ये। राजस्थान में सभी जगह चूरमे के लड्डू, चूरमा जो है गणेश जी को मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है। और आप देख रहे हैं ये राजस्थानी चूरमा लड्डू। तो ये राजस्थानी चूरमा लड्डू आज बनाना सीखेंगे हम पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आइए झटपट से ये लड्डू बनाना सीखें। बेसन का चूरमा बनाएंगे, इसके लिए हम देख लेते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बेसन चूरमा के लिए हम 250 ग्राम बेसन लेंगे जो नॉर्मल घर में है। और कप से अगर नापेंगे तो 2 कप प्लस 1/3 कप नाप करके हमने इसको लिया है। तो ये 250 ग्राम है वजन में, तो ये बेसन हमने ले लिया। और इसमें हम 1/2 कप यानी 70 ग्राम करीब गेहूं का आटा जो नॉर्मल, और अगर मोटा आटा हो तो और भी अच्छा। और फिर इसमें हम 250 ग्राम ही सूजी मिलाएंगे जो कप में 1 कप प्लस 1/3 कप है। तो देखिए वजन में और क्वांटिटी में जो है सूजी का और बेसन का वजन बराबर है, लेकिन अगर हम नाप से कर रहे हैं तो अलग अलग नाप है। बेसन में क्या है कि 2 कप प्लस 1/3 कप और इसमें है हमारा 1 कप प्लस 1/3 कप। तो ये देखिए इस तरीके से जो है इसका टेस्ट बराबर बैठेगा। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इन तीनों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसमें हम इस तरीके से मेल्ट किया हुआ देसी घी लेंगे 1/3 कप। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस मोयन को रगड़ करके। मोयन हमको खूब अच्छे से रगड़ के देना है, इस तरीके से दोनों हाथों से रगड़ करके, तभी हमारा चूरमा जो है बढ़िया परफेक्ट बनेगा। तो हमने रगड़ करके अच्छे से मोयन भी दे दिया है और अब इसके हम दगा बनाएंगे। दगा यानी मोटी बाटी जिसकी हम सिकाई करते हैं, हम पिंडी वाला नहीं बना रहे। तो अब इसको हम हल्के गुनगुने पानी से गूंदेंगे ताकि सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल जाए। तो अब इसको हम नॉर्मल आटा ही लगाएंगे क्योंकि सूजी अभी हम रेस्ट पे छोड़ेंगे तो टाइट हो जाएगा आटा। तो हमें शुरू से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है तो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, बस नॉर्मल गूंदेंगे हम इसको। तो देखिए आटा जो है हमने गूंद लिया है बिल्कुल नॉर्मल टेक्सचर वाला, ये देखिए ना ज़्यादा ढीला और ना ज़्यादा टाइट। और अब इसको हम ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। रेस्ट पे छोड़ना ज़रूरी है ताकि हमारी सूजी जो है अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो गए इस आटे को और अब हम आटा जो है अपना देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे। देखिए हमने नॉर्मल आटा गूंदा था और सूजी ने जो है वो पानी पी लिया और अच्छा टाइट टेक्सचर आ गया इसका। तो अभी हम थोड़ा सा इसको मथेंगे। इसके दगा यानी बाटी को सेकने के लिए मैंने बाटी का कुकर प्री हीट होने चढ़ा दिया है तेज आंच पर, तो वो खूब अच्छे से गर्म होता है। तब तक हम इसकी बाटियां बना लेते हैं। तो इसके भी हम बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े, बड़ी लोई नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से क्या होगा कि सेकने में भी टाइम लगेगा और अंदर तक सिकाई करने में टेंशन रहती है। तो मीडियम साइज़ की मोटाई हम इस दगों की रखेंगे, थोड़ा सा ओवल शेप में कर लेंगे क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा टाइट है, ऐसा ही चाहिए हमें। टाइट आटा रखने से क्या होगा कि इसमें जो चूरमा बनेगा वो भी काफ़ी दानेदार बनेगा, जो टेक्सचर हम दानेदार होना चाहिए परफेक्ट वो होगा। और गीला होने से क्या होगा, आटा और सूजी जो है चिकनाहट हो जाएगी, तो फिर हमारे को जो टेक्सचर चाहिए वो मिलने में दिक्कत आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, जैसा भी शेप आपसे हो, क्योंकि आटा काफ़ी देखिए टाइट हो जाता है सूजी की वजह से और चाहिए हमें ऐसा ही। नॉर्मल गूंदेंगे जब जाके इतना टाइट मिलेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा ढीला कर देंगे तो फिर ये आटा आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा। तो मैं इसके बना लेती हूँ। अब बाटी का कुकर जो है
प्रीहीट हो चुका है। इसमें हम अपने चूरमा के ये जो दगा बनाए हैं यानी बाटी बनाई है इनको रखेंगे। और आँच अभी हमने तेज़ी कर रखी है और 15 मिनट तक हम इनको इस तरीके से पलट पलट के सेकेंगे, क्योंकि अगर हम इसको हाथों हाथ ढक देंगे तो इससे जो है पानी और घी रिलीज़ होगा और उसके बाद क्या होगा, हमारे ये जो बाटियाँ हैं ये कुकर में चिपक जाएंगी और सेकने में भी टाइम लेगी। तो अभी हम इसको 15 मिनट तक थोड़ी थोड़ी देर में पलट के सेकेंगे। अब इनको हम पलट लेते हैं। देखिए गीला नहीं है आटा तो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, और अगर हम ढक देते तो चिपकता। तो बस इसकी हल्की हल्की ऊपर तक थोड़ी सी लेयर जो है ड्राई हो जाएगी और थोड़ा सा निशान इस पर सिकने का आएगा, उसके बाद हम इसको ढक करके पकाएंगे और इसको भी हम बाद में कम आंच पर पकाएंगे ताकि अंदर तक इसकी सिकाई हो जाए। तो अभी हमने एक बार पलट दिया इनको, इनको फिर से पलट देते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं, देखिए अच्छे से इस पर लेयर बन गई, यानी अच्छे से स्टेबल जैसे हो गए हैं। अब हम इनको ढक कर के भी पकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आँच हम मीडियम टू लो कर लेंगे और इसको ढक कर के हर थोड़ी थोड़ी देर में हम इनको चेक करेंगे और कम से कम 20 मिनट इनको बेक करेंगे। तो देखिए अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं हमारे ये दगा। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब हमारे ये जो हैं बाटियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं देखिए अंदर से, और इसको मैं मिक्सी में चला लेती हूँ एक बार। अब हमने इस मिश्रण को मिक्सी में चला के बड़े छेद वाली छलनी से छान लिया ताकि एक सार हमारा ये मिश्रण हो गया। एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून जितना देसी घी गर्म होने चढ़ाएंगे। हल्का गुनगुना हो गया है हमारा घी और अब इसमें हम छना हुआ जो चूरमे का मिश्रण है इसे डालेंगे और अब इसको मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छा सेकेंगे 2 से 3 मिनट तक। थोड़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी, थोड़ा सा कलर चेंज होगा इतना हम इसको सेक लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सेकने में और घी भी हमें इस टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा ये कि ताकि मिश्रण हमारा खुशबू छोड़ दे और जल्दी से कलर चेंज हो जाए। तो इसको हम सेक लेते हैं तो खूब अच्छा कलर और खुशबू आ गई इसमें से। और अब हम गैस बंद कर देंगे और अभी हमारी कढ़ाई जो है गर्म है, मिश्रण भी गर्म है, तो अभी इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। और इसी इतने गर्म में हम 250 ग्राम मावा है इसको हम क्रश करके डालेंगे। कद्दूकस नहीं करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा जो दाना आता है मावे का वो बहुत अच्छा लगता है, हमने मावे को अलग से सेकना नहीं है। और अब इसको इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि इसकी गर्माहट से जितनी हमें सिकाई चाहिए मावे की उतनी हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल कच्चा मावा भी अगर हम ठंडे मिश्रण में डालेंगे तो हमारा लड्डू ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। तो सिका हुआ जो हल्का मावा होता है वो उसकी उम्र बड़ी होती है, तो इसलिए इस चूरमे में हम इसमें सेक लेंगे मावे को। और ये ऑप्शनल है वैसे, अगर अपना चाहें तो ना डालें, लेकिन आज जो मैं रेसिपी स्पेशली इसी के लिए बना रही हूँ कि मावे के साथ आपको चूरमे का टेस्ट कैसा लगता है तो आप ज़रूर डालें वैसे। अब इस मिश्रण को हम परात में खाली कर लेते हैं। अब हमारा मिश्रण हल्का गुनगुना हो गया और हल्का गुनगुना रहते हुए हमें इसमें चीनी का बूरा डालना है। तो ये मैंने ले लिया है 300 ग्राम करीब, आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में हम थोड़े से बादाम काटे हुए डाल देंगे, पिस्ता डाल देंगे और काजू डाल देंगे और कुटी हुई इलायची डाल देंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। तो एक बार हमने इसमें इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम पिघला हुआ घी डालेंगे 1/2 कप करीब, क्योंकि गुनगुना कर चुके हैं इसको तो हाथ आराम से काम करेगा। गरम में ना तो हमें घी डालना है ना हमें शक्कर डालनी है। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे इसको।
घी की मात्रा आप इसमें थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना घी हमको डालना है कि हमारा जो लड्डू है वो अच्छे से बाइंड हो जाए और हल्का गुनगुना रहते हुए हमें इसको लड्डू बांध लेना है। तो अभी हम देख लेते हैं, अगर कम लगेगा घी तो हम और डाल लेंगे इसमें, थोड़ा सा घी और डालेंगे इसमें। थोड़ा सा घी और डाल दिया मैंने और अब मैं इस मिश्रण से थोड़ा मिश्रण लेके लड्डू बनाऊंगी। दोनों हाथों से इस तरीके से दबा दबा के, छोटे बड़े आपको जैसे पसंद हो वैसे आप लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं अपने सारे लड्डू बना लूँगी। तो देखिए, हमारे सारे लड्डू बनकर के तैयार हैं, बहुत ही सुंदर बने हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए, इसका टेक्सचर जो है एकदम से दानेदार और मुंह में घुस जाएगा। और इस तरीके से एक बार इन लड्डुओं को बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।